तो दोस्तों आप देख सकते हो सिद्धपीठ काली मठ विनीता राणा इस समय मेरे साथ है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं चामुंडा माँ के मंदिर में और आज यहां पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों हम इंटर कर चुके हैं तारा माँ के मंदिर की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं फिर से जा रहा हूँ माँ चामुंडा के मंदिर में और आज वहाँ आपसे मिलाऊंगा कालीमठ घाटे की प्रसिद्ध यूट्यूबर सिद्धपीठ कालीमठ विनीता राणा दी से। और कल मैंने बताया था उनसे आपकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी और शायद वो भजन करने आ रहे हैं वहाँ पे, ये पूरी कीर्तन मंडली। दोस्तों अभी उन देखा कॉल आ रखा था तो उन्होंने बोला कि गाड़ी में सीट है, रुक जाओ। तो मैंने बोला कोई नहीं, आप जहाँ पे मिलोगे मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगा गाड़ी में। यहाँ से वैसे थोड़ा ही था, मैंने बोला ऐसे ही पैदल चले जाऊँगा तो आप सीधे उनसे मुलाकात होगी। दोस्तों मुझे गाड़ी मिल गई थी और ये देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में काली मठ की महिला मंगल वाले बोल चामुंडा माता की ये सब आ रखे, मतलब पूरे नहीं आ रखे, कमी आ रखी नहीं आ रखी, देख सकते हो आप। तो मेरी गाड़ी वहाँ पर मिल गई थी, वहाँ पर मैंने वीडियो बनाने के लिए नहीं, वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाया चामुंडा माँ की मंदिर। तो ये दीदी को आपने भूमिका दीदी के चैनल पर बहुत बार देखा था ना, आपके बेटा से ना क्या कहें चामुंडा माँ की जय जय जय। तो चलते फिर चामुंडा माँ के सफर की ओर। तो हम प्रवेश कर चुके हैं गेट के भीतर। तो यहाँ पे विनीता देवी पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो सिद्धपीठ कालीमठ विनीता राणा इस समय मेरे साथ हैं। तो दीदी चामुंडा माँ के मंदिर में जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ पांचवी बार, पता नहीं छहवीं बार आ रही हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं आती रहती हूँ जी, तीन चार बार तो मैं मंडली के साथ आ गई। हाँ। और तीन चार बार मैं यात्रियों को लेके आ गई। अच्छा। तो हमारे यहाँ जो भी यात्री रुकते हैं जी, तो मैं उनको हमेशा यहाँ माता के दर्शन के लिए बोलती हूँ। अच्छी बात है। अभी भी वो भी आ रखे हैं। हाँ। दिल्ली से आ रखे हैं वो। अच्छा। तो उनको मैं यहाँ ले आई। अच्छा। अब वो अपने दोस्तों को और ले आएंगे। हाँ। मैं चाहती हूँ जी हमारी पूरी काली मठ मंदिर ही नहीं, हमारे चौमासी तक का मंदिर, तारा माता का मंदिर और चामुंडा माता का मंदिर, रुच महादेव और कोटमा में सभी लोग, धारी देवी का मंदिर, इनको जान कबीठा में कालिदास का मंदिर, सारे मंदिर प्रसिद्ध हो जी, पूरी काली मठ घाटी जी। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं चामुंडा माँ के मंदिर में और आज यहां पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि नवरात्र ख़त्म हो गया है तो पंच लोगों की भारी भी नहीं रहती आजकल, पर शायद पंडित जी पूजा है यहां पे तो तब आ रखे हैं। और मंदिर का दर्शन मैंने आपको करा रखा है, एक बार मंदिर का दर्शन करते हूं फिर मिलता हूं आपको थोड़ी देर बाद। यहां पे दोस्तों जाल के महिलाएँ हैं और ये इस टाइम घास के ले जा रहे हैं ना, यहाँ देख सकते हो आप, इतनी ठंड में भी घास के ले जाना पड़ता है, क्या करें, अपने मतलब पशुपा का पेट तो भरना है इनको। और देख सकते हो आज है। हाँ, और यहाँ पे शायद दूध देगी। हाँ भी तब टन बना तो रुकी रुकी तीन बना, जल्दी जल्दी बोला नहीं भाई, जल्दी जल्दी बोला इसको खराना पड़ता है, दूध देना पड़ता है। और हाँ, और दूध देगी हमको। हाँ, अब फिर और घी कमाएंगे, बनाएंगे, बेचेंगे। अच्छा, हमारी भी है। हाँ। है कितना घी का दो तीन किलो भारी होता ना वो। हाँ? भारी दोस्तों यहाँ पे बाबा जी प्रसाद बना रहे हैं, पकौड़ी शायद देख सकते हो आप। You're not.
माता की जय। बोल काली माता की जय। बोल काली शिला माता की जय। यह स्थानीय है माँ चामुंडा का है, उसमें लिखा हुआ है दुर्गा सप्तमी में चंडिका में ब्रह्मा ने कमल समोरना महेश जी दिया कौमारी चक्राजा वैष्णवी बारा ही चंद्र बजाजा चामुंडा गुना सुंदर छंद में इस स्थान पर माँ भूत के द्वारा चंद मुंड का बल हुआ था, इसलिए का नाम चामुंडा रखा हुआ है। माता बसी जा औंदा जानदा लोगों की रक्षा करनी चा माता भूमि में नथी अभिमान दोस्तों। चामुंडा माँ के मंदिर से हम आ चुके थे और इस टाइम हम जा रहे हैं चौमासे गांव में पहुँच चुके हैं और इस टाइम हम जा रहे हैं तारा माँ के मंदिर में। बैकग्राउंड में देख सकते हैं कालीमठ कीर्तन मंडली, वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि भजन पे लगे थे, दो तीन भजन गाए वहाँ पर और फिर वहाँ से आ गए थे हम। चलते हैं फिर तारा माँ के मंदिर की ओर। फर्स्ट बार ब्लॉगिंग कर रहा हूँ इस साइड की, तो बने रहे ब्लॉग में और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो हम प्रवेश कर चुके हैं यहाँ से ऊपर के लिए तारा माँ के मंदिर के लिए और पांडव लीला में बहुत बार आया था इस जगह गांव में, बट वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया क्योंकि रात को आता था। उसको जगह है जहाँ पे पांडव लीला हुई थी ग्राम पंचायत चौमासे विकास खंड के वाट, और यहाँ से नीचे का व्यू कुछ इस प्रकार से है। यहाँ से तो पूरा चौमासे गाँव कवर नहीं होता, बट कुछ ऊपर भी हैं, कुछ निपतर भी रहते हैं बहुत सारे, मतलब खोली में बढ़ता है गांव तो बहुत सारे खोली हैं यहाँ पे भी, और इस जगह पे हुआ था प्रणव लीला। कर चुके हैं तारा माँ के मंदिर की ओर, तो फर्स्ट बार मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो पूरा मंदिर घुमाऊँगा आपको। यहाँ पे नंदी जी अंदर शिवलिंग है। दोस्तों भजन कीर्तन करके इस टाइम हम यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे बाबा जी ने यहाँ पे हमारे लिए प्रसाद के रूप में बिस्किट और चाय बनाई है, तो बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद चाय और बिस्किट खा के। मैं बोलता हूँ अभी ऐसा है कि वहाँ पर बंगाल में एक सन्यासी था अगौरी, अच्छा बहुत बड़ा सन्यासी था 500 साल पहले, तो तपस्या करके उसको मिट्टी का बनाया था ऐसा। तो मिट्टी का बनाया तो बाद में जो छोटे मोटे जो उसके शिष्य लोग ने तो वहाँ पे मतलब तंत्र मंत्र करते हैं ना जो लोगों को इधर उधर मतलब वो करने का जी। तो ऐसे करके वो सारे तंत्र तांत्रिक लोगों को मार दिया माने, और एक सिद्ध हो गया एक महाराज जी अगोरी, अच्छा और उसने सोचा कि अब सोने का माँ मिल गई ये मिट्टी को माँ ले जाके बाहर फेंक दूंगा,
अच्छा। मतलब बहा दूंगा। अच्छा। तो उसने मिट्टी का ले जाके बहा दिया जी। और सोने का बना के लगा दिया। अच्छा। और उसका पूरे बॉन्ड से खत्म कर दिया माने। अच्छा। क्योंकि उसको इतना साल से पूजा किया, इतना उसी का रूप बनाया, तो मिट्टी का बना के फेंक दिया। तो फिर ऐसे ही एक बहुत बड़ा गाँव है, वहां जाके एक बाबा आए, उन्होंने देखा जी। तो ये वाला रूप किसी का नहीं है, इसमें क्या है, नीचे शिव सोया हुआ है, उसके ऊपर फिर महाकाल सोया हुआ है, तो उसके ऊपर माँ बैठी है, क्योंकि माँ का ऐसा है साधना करने का जी। तो इसलिए ऐसा है, ये तीनों है इसमें। इसमें देखना ठीक से देखना, नीचे शिव सोया हुआ है, फिर महाकाल सोया हुआ है, उसके ऊपर माँ बैठी है जी, साधना करके जी। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये तारा माँ है। और तारा माँ तो आप लोग जानते ही हो जी, काली और तारा जी, दोनों तो एक ही है। दोस्तों इस टाइम हम आ रखे हैं गिरी के मायके में, और उन्होंने हमें भोजन के लिए आमंत्रित किया, तो हम मना नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे बैठ रखे हैं सब लोग, और इस समय उनके सब्जी परोसी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ वीडियो बना रहा मैं, आप देख सकते हो कितना अच्छा लगता है जब सब इकट्ठे होके खाते हैं, देख सकते हैं आप। दोस्तों हमने खाना खा लिया था, काफी टेस्टी हो रहा था खाना। कैसा लग रहा था दीदी खाना? बहुत अच्छा। और उसमें ना पहाड़ी एक जड़ी होती है, चोरा बोलते हैं उसको। हाँ। उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी उससे, मतलब जो पेट की वजह से हमने दोबारा खाया। हाँ, हाँ, उसके मतलब जो चोरा होता है ना, वो पेट दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है, फायदेमंद। तो मुझे लगता है इस वाले ब्लॉग को इतना ही रखना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक छोटा सा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दीदी के चैनल पर भी विजिट करिएगा। मेरा चैनल का नाम है सिद्धपीठ काली मठ विनीता राणा। अगर आपको अच्छा लगा हमारा साथ, तो आप हमारी वीडियो भी जरूर देखें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।